हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं हो रही हूँ तैयार। और मैं आप लोगों से बोली थी कि मैं बारात में मुझे जाना है, क्योंकि तिलक वाला ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और आज है बारात, तो आज हम लोग लड़की के यहाँ जाने वाले हैं। लड़की हमारी देवरानी की बहन है, तो आज हम लोग लड़की के यहाँ जाएंगे। तो बस मैं तैयार हो चुकी हूँ और यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं। और अंधेरा हो चुका था क्योंकि प्रचार उचार के बाद जब ये आए थे घूम उम के बाहर से, तब हम लोग शाम में गए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं अपनी देवरानी के घर पहुँच चुकी हूँ। और वहाँ पे यहाँ पे द्वार पूजा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले जब बारात लगता है तो द्वार पूजा होता है, वर पूजा होता है, तो वही यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे दुल्हन हो चुकी हैं तैयार जयमाल के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जयमाल हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरी देवरानी हैं और उनकी बहन की ही शादी हो रही है, तो उनके बगल में मेरी देवरानी हैं। और हम लोग भी स्टेज पे ही हैं, लेकिन दिखाई नहीं देंगे क्योंकि काफ़ी भीड़ था स्टेज पे। और ये वीडियो क्लिप अंशु ने बनाया था क्योंकि मैं पीछे खड़ी थी। और हमारे यहाँ बिहार में आप लोग जानते ही हैं शादियों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, स्टेज पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है और यहाँ आप लोग देख सकते हैं दुल्हन टीका कर रही हैं दूल्हे को, और आरती वगैरह दिखाएंगी। बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों की। तो बस जयमाला का कार्यक्रम हो चुका है और यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को रिंग भी पहनाया था। तो ये आप लोग देख लीजिए। ये रिंग पहनाने के लिए दे रही हैं हमारी देवरानी हैं। और इसके बाद साली लोग हैं, काफ़ी तैयार तैयार हैं सालियाँ, और बहुत सारी साली हैं इनकी। मेरी देवरानी की अभी तीन तीन बहनें हैं, वो तो खुद तीन बहन हैं, तो एक तो खुद हैं और दूसरी नंबर की शादी हो रही है, और एक और है, और दो उनकी चाचा की लड़कियां हैं और एक बुआ की। तो सारी इसी पे थी। और आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये छोटी वाली उनकी साली ही है, छोटी साली। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, साली लोग आरती दिखाती हैं हमारे यहाँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मिठाई खाने के लिए जिद कर रही हैं सब। और दूल्हा जो हैं हमारे देवर लगते हैं, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की बुआ के लड़के हैं। और ये लड़की जो हैं, तो बस यहाँ पे जयमाल हो चुका है दोस्तों। और दुल्हन उतर रही हैं और थोड़ा उनका पैर फंस गया था लहंगे में, तो गिरने से बच गई थी। तो लड़की जो हमारी देवरानी की बहन है, तो वो मेरी बहन भी लगेंगी। तो दोनों तरफ से हमारा रिश्ता है। और बस दोस्तों, अभी यहाँ हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, मैं और मेरी देवरानी। और मैं आप लोगों से बता दूं कि उसी गांव में जहां पे इनकी बुआ हैं, दूल्हे के गांव में, वहां पे मेरी भी बुआ हैं, अपनी ही बुआ। मेरी छोटी वाली बुआ का शादी उसी गांव में हुआ है, इनकी बड़ी बुआ का शादी और मेरी छोटी बुआ का शादी उसी गांव में हुआ है। तो ये संयोग से मिला है
मेरा और इनकी बुआ का एक ही गांव में शादी है, संजोग है। तो यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए आ चुके हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी बुआ का लड़का है जिससे मैं खाना खाते खाते बात कर रही हूँ। तो ये उनके छोटे बेटे हैं मेरी बुआ के। और दोस्तों, जयमाल के बाद यहाँ पे जो मंडप होता है, मंडप में इमली घोटाया जाता है। इमली का मतलब इमली नहीं घोटाया जाता है, इस विधि का नाम है। आम का जो ये होता है, पत्ता होता है, उसका जो डंठल होता है उसको लेकर के, ये हमारे यहाँ बिहार का विधि है। थोड़ा मेरे गले में खराश हो आ गया है, रात में ठंडे में मैं गई थी बारात में। तो यहाँ पे नाखून वगैरह कटाता है लड़की का, मतलब काटने का विधि होता है, और पैरों में महावर वगैरह लगता है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताई हूँ, हमारे यहाँ शादी में दूल्हे दुल्हन को कई बार चुमावन बोलते हैं उसको, तो उनको चुमा जाता है, औरतें यहाँ पर चुमती हैं चावल वगैरह से। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये देख लीजिए, मैं आ गई हूँ यहाँ पे। ऐसे ही होता है चुमावन हमारे यहाँ। और इसके बाद दोस्तों, हमारे यहाँ इसके बाद होता है निरीक्षण बोलते हैं, गुरहेथी बोलते हैं इसे। जब दुल्हन को दूल्हे वाले के तरफ से जेवर वगैरह जो होता है वो चढ़ावे के लिए आता है, जेवर कपड़े वगैरह जो भी होते हैं वो चढ़ावे के लिए आते हैं, तो इसको निरीक्षण बोला जाता है, या गुरहेथी भी बोला जाता है, बरनेत बोला जाता है हमारे बिहार के भाषा में। तो वो होने के लिए आ गया है। और ये भसुर करते हैं, भसुर मतलब हमारे यहाँ लड़के के बड़े भाई को भसुर बोला जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे ससुराल वाले सब आ गए हैं, और ये साड़ी जा रही है, ये साड़ी लड़की को पहना के और यहाँ पे फिर लाया जाता है जेवर चढ़ाने के लिए। लेकिन आजकल थोड़ा सिस्टम बदल गया है, लड़की जयमाल के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार होती है। तो पहले तो चेंज किया जाता था कपड़ा, लेकिन आजकल ऐसे ही ऊपर से ही उस कपड़े को ओढ़ा दिया जाता है, साड़ी को जो आता है, तो बस उसको ऐसे ही उनके ऊपर डाल दिया जाएगा। तो अब दुल्हन पहुंचने वाली हैं, और यहाँ जो भी जेवर वगैरह कपड़े ससुराल पक्ष से आया है वो जो है, तो आप लोग देख सकते हैं दुल्हन आ चुकी है और उनके ऊपर वो वाली साड़ी डाली हुई है। और काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, हमारे बिहार का शादी देखने में बहुत अच्छा लगता है। और बस यहीं तक मैंने शादी देखा था, और उसके बाद हम लोग आ गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप लोग से मैं बता ही दी हूँ कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो तो इलेक्शन के चक्कर में हैं, तो हम लोग वहाँ रुके नहीं थे। और बहुत ज़्यादा कोहरा भी गिर रहा है, तो जल्दी निकलना ज़रूरी था, क्योंकि रात में निकलना, ज़्यादा रात में निकलना अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे ये जो कार्यक्रम होता है जेवर वगैरह चढ़ाने का, वो शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और मैंने नॉर्मल आवाज़ भी छोड़ा है वीडियो में। और आप लोग को बता दूं कि ये जो होता है नेक, इस पे भासुर जी को, मतलब ससुराल पक्ष वाले को औरतें गाली गाती हैं। तो ये हमारे यहाँ का नेग है, और ये क्या कहते हैं इसको, बहुत शुभ माना जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे बिहार के शादी में। तो यहाँ पे जेवर चढ़ना स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। हमारे यहाँ ये सारे जेवर ससुराल पक्ष से आता है, तो आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा जेवर चढ़ रहा है, और कपड़े भी, साड़ी सूट वगैरह जो भी होते हैं, ये सारे चीज़ आते हैं। और पंडित जी इस पे अक्षत छींटते हैं सारे पे। और ये वाला नेक जो है भसुर ही करते हैं, मतलब लड़का के बड़े भाई। तो लड़के के बड़े भाई नहीं किए थे, मतलब अपने चाचा वाचा के जो लड़के होते हैं वही किसी ने किया था, मतलब जो भी बड़ा होता है वही करता है। ये आप लोग देखिए। और दोस्तों, जिन्होंने, आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन को तो प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। और पता नहीं आजकल व्यूअर नहीं आ रहे हैं, फिर भी मैं वीडियो डाल रही हूँ, वीडियो डालना तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने कुछ करने के लिए ठाना है, तो मैं इतना जल्दी हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरा हिम्मत बढ़ाइए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना प्यार दीजिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ और कुछ कर सकूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरा सब्सक्राइबर व्यूअर बढ़ाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, साड़ी सूट वगैरह जो भी है ये सारा चीज़ चल रहा है, और वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है, क्योंकि शादी में बहुत सारे नेग होते हैं हमारे यहाँ बिहार में, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं तो बस यहीं तक देखी थी, उसके आगे वाला तो सब नेग बाकी ही है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इतना ही देर रुकी थी। तो बस ये वाला भी नेग हो चुका है, और ये आप लोग देख सकते हैं ये भसूर हैं, ये देखिए। तो ये यहाँ पे हो चुका सारा, और फिर एक बार और फिर से चुमाउन होगा, और इसके बाद बस मंडप में शादी के लिए तैयारी होती है। अभी शादी की तैयारी नहीं हुई, इसके बाद दूल्हा आंगन में आते हैं, तो फिर दूल्हे का स्वागत वगैरह किया जाता है, और उसके बाद मंडप में शादी शुरू होता है। तो शादी में तो जो भी कुछ होता है आप लोग जानते ही हैं, मंगलसूत्र सिंदूर वगैरह वही सब चीज़, और उसके बाद तो ये सारा चीज़ मैं नहीं देख पाई थी, और ये आप लोग देख सकते हैं इतने सारे जेवर चढ़े हैं दूल्हे के पक्ष से दुल्हन को, देखिए। और चढ़ा के जाने के बाद सारी औरतें देखती हैं, तो ये मेरी देवरानी बैठी हैं, और उसको फिर से सबको दिखा करके और पैक कर रही हैं, और ये सारा चीज़ फिर सुबह दुल्हन के साथ विदाई जब होगा तो चला जाएगा, और कुछ पहना दिया जाता है और कुछ ऐसे ही जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हैं दुल्हन की मम्मी थी पीले साड़ी में, और ये मेरी देवरानी, और ये मौसी हैं, मौसी मतलब मेरे हस्बैंड की मौसी लगती हैं। तो एक एक करके सारी जो भी सुहागन औरतें हैं वो चुनती हैं, यहाँ पे मैंने भी चुन लिया, और बस सब हमारे चलने की तैयारी होगी, क्योंकि ये जब नेग हो रहा था उसी समय बार बार ये बाहर से फ़ोन कर रहे थे कि जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फॉग होने लगा है, और रास्ते में गाड़ी वगैरह के फंसने का डर होता है। तो यहाँ पे बस हम लोग निकल रहे हैं, और मेरे देवर जी को आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं आज, क्योंकि आज इनके ससुराल में शादी है।